जो नॉर्मली हमारे पास नॉर्मली टैरिफ आते हैं या पम्फलेट आते हैं, पिज्जा हट्स वालों के या फिर आपके किसी भी रेगुलर जी से जो अपना सिम्स डेटा होता है, तो सर ये जी वाले टैरिफ बनाने के बाद में जो प्रिंट आउट होता है वो इसी पर्पस से ही होगा, कैनवा से ही, या फिर उसके लिए कुछ नहीं, और आप मामूलात उसको करने बना के दे पड़ते हैं? सकते हैं ना, बना के जब वो पीडीएफ फाइल में आगे हो, पीडीएफ में देंगे, जेपीजी में देंगे, तो वो आगे तो प्रिंट होगा, मशीन पे होगा ठीक ना, वहां पे भी तो कंप्यूटर होता है ना। ठीक मतलब वो हम अपने पास यहाँ तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्च करा था फूड्स का, तो फूड्स के अंदर आपको बहुत सारी चीजें आ रही थी। जैसे कल आप एक क्लास के अंदर ही बता रहे थे कलर चेंजिंग का, जो फूड टेबल बनी हुई थी। जी, हाँ तो यही था, मैंने सर सर से कंफर्म करूं कि ये टैरिफ वगैरह बनाने में कभी कोई इशू नहीं होता इस पे, यानी। सर कोई इशू नहीं है। बाकी सारी गेम जो है वो आपके माइंडसेट की है कि आप उसको कैसे देखते हैं। एक फोटो को, ये नहीं सिंपल क्या दे फोटो रहे हैं पड़ी हुई है, अब ये देखें, ये तीन चीजें पड़ी हुई हैं, आप इसको कैसे बनाएंगे। अब ये 500 पिक्सल में पड़ी हुई है, अब बताएं आप इसको कैनवा में बनाना हो कैसे तो बनाएंगे। सर, सबसे पहले तो सिंपल है सर, साइज का ही करेंगे हम। क्या चीज, साइज हो गया, आगे क्या करेंगे। सर फ्रेमिंग करेंगे, अगर हमें सेम यही बनाना है तो एक तो ये है कि फ्रेमिंग हमें के बाद में जो फ्रेम सारे फोटोज जो है ना होंगे। वो मिल जाएगा, सिंपल सा फ्रेम मिल जाएगा बॉर्डर वाला, वो तो ठीक है अगर मिल गया, अगर नहीं मिलता तो हमें कस्टम या कैसे बनाना है वो बताता हूँ मैं अभी। कस्टम के अंदर जो आपका साइज यहाँ पे आ रहा है ना, इसी के अंदर हम इंचीज के अंदर आएंगे। जी, अगर वो इंचेस में है तो इंचेस में आ जाएंगे, अगर वो पिक्सल में है तो वो पिक्सल में आ जाएगा। पिक्सल में आ जाएंगे। जी, अब यहाँ से जाके इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। चले हम इसको ना किसी और साइज में बनाते हैं, मैं बनाता हूँ इसको 1500, इसको यहाँ से कर देता हूँ 3000, यहाँ से जाके इसको पिक्सल में कर देता हूँ। सॉरी भाई, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, ये कॉपी एंड रिसाइज। मैं स्क्रीन जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपने जब करना हो तो आप कर लीजिएगा। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, ये एक फ्रेम बना हुआ है, इस फ्रेम के अंदर पिक्चर लगी हुई है, इसका बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर के इसका बैकग्राउंड भी आ रहा है। तो यहाँ से जाके हम सिंपल बनाने की कोशिश करें तो एक शेप ले लेते हैं यहाँ से, और उसका पहले बॉर्डर ऐड करते हैं। ये शेप ले ली हमने, ये शेप आ गई, वो उसका विड्थ ज्यादा है, ये उसकी विड्थ हाइट ज्यादा है, विड्थ कम है, ये दे लिया हमने। तो जो बैकग्राउंड है वो ग्रे टाइप आ रहे हैं, तो इसको यहाँ से पहले ग्रे में कर दें, मैं ऐसे ऐसे ग्रे में कर देता हूँ। ये ग्रे आ गया, अब इसका बॉर्डर ऐड करते हैं यहाँ से, यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट किया है और बॉर्डर का जो कलर है वो मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, रेड करके देते हैं, रेड हो गया, और इसको हम थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे, जो कलर बाद में करना हुआ वो कर लेंगे फिल वक्त के लिए, भी नजर आ जाए हमें बैकग्राउंड पे, अगर वाइट करेंगे थोड़ा कम नजर आएगा, इसलिए मैंने इसको किया रेड कलर। और इसके बाद इसके अंदर आगे जाएगी एक पिक्चर्स, और वो पिक्चर कहाँ से हम लेंगे, वो फोटो के अंदर से लेंगे, और हमें चाहिए एक फ्रेम, फ्रेम सर्कल में नहीं चाहिए, आपकी मर्जी, आप जो में जो भी लेना चाह रहे हैं ठीक है। और यहाँ से हम जाके ग्रिड में भी यूज कर सकते हैं, ग्रिड मैंने ले लिया, और भाई ना जा, साइज मैंने छोटा कर दिया। सेंड टू बैक, फ्रंट वाले को बैक में कर दिया, अब ये आ गया इसमें। अब यहाँ से जाएंगे एक फोटो बनाएंगे,
चले यहाँ से क्वार्ट्स ले लेते हैं, क्वार्ट्स। चलिए अब ये आ गई क्वार्ट्स। अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं, ये प्रूफ होता है या नहीं। नहीं, फ्रेम ग्रुप नहीं होता। इसके ये बॉर्डर वाली जगह पे क्लिक करते हैं, इसका यहाँ से करते हैं बॉर्डर चेंज, बॉर्डर ये रख देते हैं। अब देखें इसको कैसा लग रहा है। ये तो एक फोटो तो ये बना ली हमने, ये पहले वाली बना ली फॉर एग्जांपल। अब सेकंड वाली तो ये बनानी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एक मैंने ये कॉपी कर लिए, इसका बैकग्राउंड है इस पर मैंने क्लिक किया और आर्ट पकड़ के इसको कॉपी कर दें, लेकिन ये ऐसे हो नहीं रहा। इसको मैं साइड पे करता हूँ, इसके मैं कॉपी बना लेता हूँ तीन, वन तो, मतलब ये तीन हो गई है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि ये बन गया। अब इसको साइड पे करके यहाँ पे सबसे पहले इसका ना मैं नीचे वाली जगह जो है ये बराबर रखूंगा, ताकि आप उनको ये देखें। अभी जूम कर दिया। अब ये क्योंकि वॉल बड़ी है, कि ये फ्रेम बड़ा है इसका, अब क्या करेंगे इसको बड़ा कर देंगे। ये तो बड़ा कर देगा इसको। अब यहाँ पे आ जाएगा, इस पिक्चर को भी फ्रेम को भी पकड़ के बड़ा कर देंगे, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से कर लेंगे। जहाँ पे एडजस्ट करना है आप कर लीजिएगा। यहाँ पे हम पिक्चर कोई और ऐड कर देते हैं, पोर्ट्रेट टाइप हो। ये मैंने ये पिक्चर ऐड कर, इसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। इसको पकड़ के पहले यहाँ पे अपने अच्छे कर देता हूँ, इसको पकड़ के यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये आ गया आपका। यहाँ पे भी आपने एक फ्रेम ऐड करना है, जो कि आपने एक चीज बना ली है पहले, उसी को कॉपी पेस्ट कर लें। पहले तो चीजों को देखने की जरूरत होती है। मैं सबको यही कहता हूँ कि आप लोग पहले इसको समझ जाएं कि एक्चुअली में वो चीज है क्या। आधा घंटा लगा लें, घंटा लगा लें, जब पता होगा आपको कि वो चीज़ है क्या, फिर बनाने में 15 मिनट लगेंगे आपको। पिक्चर आपको सही नहीं आ रही, ये देखिए आप जिस तरह आप करना चाह रहे हैं, जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हैं करके। अब ये देखें फ्रेम, इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं कलर चेंज कर दें, जो ज़्यादा अच्छा लगता है आप वो करें। ये बन गया। अगर फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, अब बॉर्डर का कलर आप ब्लैक कर दें, वो आपकी मर्जी है, अपनी किस तरह का करना चाह रहे हैं, इसका भी चेंज कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा इसके साथ मैच कर रहा है, ये देखें। जी फहीम भाई क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं सर कुछ नहीं, ओके बिल्कुल। ठीक है, अब ये देखें ये बन गया। अब इसके नीचे वाली एक लाइन आ रही है, तो ये बना हुआ और तीन बना रही है, एक और बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्पेस कम थी, आगे साइज छोटे करने पड़ेंगे, वो आपको अपनी मर्जी से बना सकते हैं। नीचे एक आ रही है, ये फ्रेम आ रहा है बड़ा, इसको भी इस तरह ही कॉपी कर सकते हैं। दोनों को कॉपी करके लेके आ जाए नीचे, आर्ट और नीचे दें, इसको ऐसे पकड़ के ये कॉपी हो जाएगा। स्टार्ट में आपको चीज समझ आ जाए, बाकी खैर है जिस तरह भी आप बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए अब इसकी हाइट ज्यादा है, हाइट कम है, इसकी विड्थ ज्यादा है, ये देखिए। और पिक्चर भी हमें वैसे ही यूज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जाके हमें कि जिसकी विड्थ ज्यादा हो हाइट कम हो वो हमें यूज करनी पड़ेगी पिक्चर्स। चलें इसको यूज कर लेते हैं, ये देखिए हम ये यूज कर रहे हैं। इसके अंदर आपको चाहिए कि आपके एलईडी आ जाए लैपटॉप वगैरह यूज करने के लिए। मैं यहाँ जाके देखता हूँ लैपटॉप फ्रेम, ये
ये यूज करने आप सारी गेम ही आगे लैपटॉप की है, या आपको जो अच्छा लगता है वो देख सकते हैं। अब देखें इसका जो आपको अच्छा लगता है वो कर लें, फ्रेम बॉर्डर चेंज करना है, यहाँ से बॉर्डर चेंज कर दें जो भी, ये सिंपल सी बात है। अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से जाएं कलर पे, जो भी आपको कलर चेंज करना है कलर पे जाएंगे, ये साथ में पेंसिल बनी हुई है, मुझे इसका ये कलर चाहिए अंदर वाला। अब ये देखो, अब वो कलर हो गया, ऑटोमेटिक उसने कलर पिक कर लिया। नीचे वाला करना चाह रहे हैं, नीचे वाला कर रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा कलर है नीचे वाला। ये नीचे वाला आ गया, इसको आप चेंज कर सकते हैं, या वही कर दें जो आपका दिल करता है आप वो कर दें। देखो मैं इसको जूम आउट करता हूँ, देखो अब आपको ऐसा लगेगा कि ये वाकई वॉल के अंदर पड़ा हुआ लैपटॉप। जी यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का, यहाँ भी चले। हाँ जी ये मैम क्या कहना चाह रही हैं आप, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, आप वॉल गैलरी बनाना तो सिखा रहे हैं, लेकिन पिक्चर को जी आपने सैंपल के तौर पे हमारे सामने रखा है, उसमें जो फोटो फ्रेम्स हैं उनका शेडो भी बना जी आप हुआ है, शैडो भी तो बना अगर सकते हैं इसका। हम सेम कॉपी करना चाहें फिर हम उसको कैसे बनाएंगे? फ्रेम को कॉपी करना चाहें, मुझे आपके क्वेश्चन नहीं सही समझ कॉपी आया, करना हो क्योंकि तो उसका आपकी शेडो कैसे आवाज बनाएंगे हम? जो है ना वो कट रही थी, समझ नहीं आई आपके सर क्वेश्चन। मैं आ रही है सर, मैं सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने ली है उसमें जो फोटो फ्रेम्स है उसका साथ शेडो भी आ रहा है, अगर हमने सेम बनानी हो तो फिर वो ठीक एक एक फ्रेम के साथ आप शेडो भी ड्रॉ करके बताएं। थैंक है, वो बता देता यू सर। जी। मुझसे आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैंने ये पूछना था कि बॉर्डर की जो हम सेटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? मेरे पास ना, मैं जब भी कुछ करती हूँ तो वहां पे बॉर्डर का ऑप्शन नजर नहीं आता ऊपर, जब आप यहाँ कर रहे होते हैं तो आ रहा होता है। जी आप लैपटॉप पे यूज़ कर रही हैं? जी सर। सही है, लैपटॉप पे तो आ जाता है, उसमें नहीं आता, मोबाइल पे ढूंढना पड़ता। सर अभी दोबारा से जरा थोड़ा सा मुझे बता दें अभी कैसे आता है वो बॉर्डर वाला ऑप्शन। ठीक है मैं बताता हूँ, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें साथ में, ये भी मैं बता दूंगा जी। अब बकर क्या करना चाह रहे हैं? जी आतिफ क्या कहना चाह रहे हैं भाई? सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने एक लाइन में जो है वो सिलेक्ट करने हैं फ्रेम्स, ठीक है, तो जी हमें कैसे अंदाजा होगा कि ये नीचे से उनकी लाइन बराबर है, जी जी मतलब वो एक ही लाइन में आ रहे हैं? और सेकंडली, जब आपने फ्रेम अगर 6 लगाए हैं एक पोस्ट में, 6 फ्रेम्स आपने सिलेक्ट किए हैं और हर फ्रेम का साइज एक जैसा हो, उसके लिए हमें क्या तरीका कार है उसका? ये दो सवाल मेरे माइंड में आ रहे हैं।
जी मैं सर उसका बताता हूँ अभी आपको। थैंक यू सर। जी आपका क्वेश्चन था कि इसको हम कैसे कर सकते हैं एक ही लाइन में। पहले तो ये है कि मैं जब इसको यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को मतलब मैंने जूम कर दिया, ये देखें, अब मैं यहाँ से इसको हिलाऊंगा तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा होगी ऑटोमेटिकली। ये देखें, इसको मैं ऊपर नीचे करने लगा हूँ, ये ऊपर किया तो वो लाइन ऊपर की तरफ कह रहा है कि 86 आ रहा है। अब नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही है मुझे, शायद आप लोगों को किसी को नज़र आ रही है तो मुझे टेक्स्ट में बता दें। ये अब लाइन बता रहा है कि तीनों एक ही लाइन में है। वो कहोगे आपको चलें ठीक है नज़र आ रही है ना, चलें ठीक हो गया। ये तो हो गया, आप इसको एक ही लाइन में या सेंटर में कैसे कर सकते हैं, आप सेंटर में भी कर सकते हैं और साइड पे जो विड्थ हाइट दोनों देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन था कि इसका हम साइज का अगर तीनों को एक ही लाइन में या एक जैसा करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ये अगर इस पर आपने क्लिक किया तो इसके कॉर्नर पर जब इसको पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका ये विड्थ आ रही है सामने और डब्ल्यू 511 आ रही है, हाइट इसकी आ रही है 317। अब इसको मैं कम करता जा रहा हूँ तो वो कम होती जा रही है, ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा होती जा रही है, ये देखें तो वो मेरे माउस के साथ साथ वो जा रही है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे तीन फ्रेम बनाने हैं, इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको कॉपी कर लिया, नीचे ले आया, ये देखें। अब मैंने क्या किया, जब मैं इसको पकड़ता हूँ यहाँ से तो इसका साइज भी बिल्कुल साथ में नज़र आ रहा है, 273/344। अब ये वो बता रहा है मैं कम कर रहा हूँ तो कम कर दूंगा, ठीक है ये इतना ही हो गया। अब मैं नया एक फ्रेम लेता हूँ यहाँ से जाके, इसका साइज मुझे पहले देख लेना चाहिए क्या साइज है इसका। चले मैं इसको 270 पे रोक देता हूँ, ये 270/357। यहाँ पे जाता हूँ, एक नया फ्रेम ले लेता हूँ, सॉरी शेप ले लेता हूँ, इसकी शेप थी 270/357। आपको यहाँ से खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा ऊपर से 357 जी। चलें ये ज़्यादा हो गई, 3 सीट हो, थ्री सिक्सटी और ये कितनी थी 270। अब ये देखें साइडों पे भी इतनी आ रही है या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। चलिए इसको हम और जूम करके भी कर सकते हैं, ये पिक्सल टू पिक्सल जो है ना ये देख सकते हैं आप, एक पिक्सल का इशू है वो माउस से नहीं हो रहा और जूम करना पड़ेगा इसे। तो अब क्या करें, इसको पकड़ के ऊपर रख के देखें, ये सही आ रहा है, सिर्फ एक पिक्सल का इशू आ रहा है आपका, ये देखें। अब इसको पकड़ के यूं ले आए एक साइड पे, अब लाइन वो दोनों साइडों पर आ रही है, नीचे भी आ रही है ऊपर की तरफ भी आ रही है। अब इसको जहाँ जाके मैं छोड़ दूंगा वो यहाँ आ जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए, एक और बनाना है, इसको मैं यूं ले जाऊंगा इसी लाइन में पकड़ के, आर्ट दबाया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट क्लिक किया तो ये आ गया। कितनी विड्थ चाहिए, वो दरमियान में कितनी विड्थ थी पहले वाले की वो बता देगा आपको, ये देखें पहले वाले की कितनी थी, दूसरे वाले की कितनी वो बता रहा है साथ में। चलें फहीम साहब और क्वेश्चन है आपका कोई? किसी का क्वेश्चन था कि अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो उसके शेडो कैसे आएगा। टेक्स्ट का शेडो आएगा आपका, यहाँ पे जाके लिखते हैं हेडिंग, एक हेडिंग ले लेते हैं वॉल गैलरी, मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, इसका मैं शेडो चाह रहा हूँ, मुझे शेडो भी इसका साथ में आए। मैं चीनों को नीचे ले आता हूँ, ये
दे रहे हैं, इसका टेक्स्ट मैं ज़्यादा कुछ और कर देता हूँ, ये वाला। अब इसका शेडो मैंने ऐड करना है, तो शेडो आप किसी चीज़ का भी ऐड कर सकते हैं, मैं टेक्स्ट में बता रहा हूँ, बाकी आपका काम है। इफेक्ट पे जाएं, यहाँ पे जाके शेडो पे शेडो क्लिक किया और नीचे वो हल्का सा शेडो आ रहा है, अगर ये जूम कर दूँ अब देखें वो शेडो नज़र आ रहा है नीचे। ऑफसेट ज़्यादा करना है, किस साइड पे आपका शेडो नज़र आना चाहिए वो आप जहाँ पे आपको लगता है वो करना चाहें आप कर सकते हैं। डायरेक्शन में भी देख सकते हैं, डायरेक्शन कम करनी है, ज़्यादा करनी है, किस साइड पे करनी है। अक्सर हम कोई चीज़ लिखी हुई नज़र आ जाती है, पेंटर ने दोबारा लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे भी हम वैसा बना सकते हैं, वैसा भी ये है। अब ब्लर करना चाह रहे हैं कि फुल नज़र ना आए, तो वो ब्लर भी आप कर सकते हैं कि वो फुल नज़र ना आए, सही से हल्का सा नज़र आए, ये दे अब वो कर सकते हैं इसमें। फिर इसके ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ये दे। और यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप, मैं ये कलर देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइटिंग लगी हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना इसको रखना है, कम करना है, ज्यादा करना है, वो देख लीजिएगा जी। अब अगर इसको आप चाहते हैं कि ये ऐसा भी रहे, इसके साथ साथ आप बॉर्डर भी इनका आ जाए, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाके आप ये भी कर सकते हैं स्प्लाइस, ये दें ये आपका स्प्लाइस आ गया, इस पर क्लिक करेंगे या हलो कर लें, होलो कर लें, ये देखें अब ये वॉल आ गया। अब वो बैकग्राउंड पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा और आपका बॉर्डर पे ये कलर आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि सिर्फ डब्ल्यू को बाहर से इसको कलर किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपने खुद आगे देखनी है, ये एक एक चीज़ जो है मैं बता तो देता हूँ। मेरा काम था ये इफेक्ट वगैरह, ये जो ये एलिमेंट्स है ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपने खुद एक्सप्लोर करना था इसको। इको कर सकते हैं, ये दें इसके आप जाके डायरेक्शन चेंज कर दें, ऑफसेट चेंज कर दें, ठीक है, कलर चेंज कर दें, जो करना चाहें वो कर दें आप, ये सप्लाइज कर दें, इसमें आप कलर चेंज कर दें जो जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ये दें। और इसमें फिर आप इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, थिकनेस चेंज करनी है, ये दें जिस तरह करनी है आपने, पूरे का पूरा टेक्स्ट किस साइड पे जा रहा है डायरेक्शन चेंज करनी है वो कर दें। आप जो भी करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ से। चलो चलें जी, क्लास एंड हो रही है हमारी, 5-6 मिनट रहते हैं, 8 मिनट रहते हैं, और मैं इसको ख़त्म करता हूँ क्लास को। ये सिर्फ तुम्हारा कैमरा ऑन है, तो मैंने सबको रोका हुआ है कि कैमरा ऑन ना किया करें प्लीज़ जी। क्या कहना चाह रही हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम बैकग्राउंड है जो इसमें 2 से 3 कलर करना चाहें, वो वैसे तो एक कलर ही होता है, उसमें हम 3 कलर यूज करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? आप ग्रेडियंट कलर यूज कर लें, मल्टी ग्रेडियंट जो शेडो होते हैं वो यूज कर लें, पिक्चर्स को वो बना के ऐड कर लें कुछ है। ओके सर, सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, वो बहन का सवाल ये था कि आपने टेक्स्ट का तो हमें पहले भी बताया हुआ था सेकंड क्लास के अंदर, उनका ये सवाल था कि जो हमने पूरा कम्प्लीटली फ्रेम बनाया है हम उसका शेडो दे सकते हैं? उसका शेडो भी आप देखते हैं, उसका भी जहाँ तक मुझे समझ आया था वो ये था, क्योंकि जो आपने जिस फोटो को देख के हमने पूरा फ्रेम बनाना शुरू करा है ना, उसके अंदर जितने भी फ्रेम लगे हुए हैं सबका शेडो था,
उस वॉल के ऊपर। जी जी सर, आप उसका भी कर सकते हैं। कोई भी इफेक्ट मैं जब बता रहा हूँ तो उसको आप उसी तरह इंप्लीमेंट करेंगे तो बन जाएगा उसी तरह। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट कह लेंगे, आप बनाए नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। सिंपल सी बात है, आप अगर वैसा यूज नहीं होता तो एलिमेंट में जाके आप शैडो ढूंढ लें तो शैडो भी आपको मिल जाएगा। चलें, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। असाइनमेंट में आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। जी आप इस तरह भी कर सकते हैं, खुद से फ्रेम भी लगा के उसका शेडो भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल जाएं, फ्रेम लिखें, फोटो फ्रेम लिखें, वो भी आ जाएगा, सिंगल फोटो फ्रेम होगा, उसको आप क्लिक करके ऐड करेंगे तो आप उसका शेडो बना सकते हैं। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछ रही थी, बिजनेस कार्ड वगैरह का कब आप करेंगे? बिजनेस कार्ड का मैंने अब तक ये चीजें बता दी हैं, अब बिजनेस कार्ड का नहीं टाइम बचेगा, कल से हम फाइबर के बारे में बात करेंगे, दो क्लासें रह गई हैं बस, वो फाइबर की होंगी। सर बिजनेस कार्ड के हवाले से कोई आइडिया, लोगो वगैरह, क्योंकि यही मैं फाइबर पे जब सर्च करती हूं तो ज्यादातर यही चीजें जो हैं वो ऑर्डर हो रही है। आप इस चीज को छोड़ के, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर आप उस पे जाके खुद से कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि 4 लाख दुकान पहले के पड़ी हुई है, आप भी अपनी दुकान बनाएंगे क्या बनेगा वहाँ पे? ओके, ऑलरेडी इतनी ज्यादा शॉप्स बनी हुई हैं, आपको पता है, मैं उनको शॉप्स बोलता हूँ जिस पे आप सेलिंग कर रहे हैं, वहाँ प्लेटफॉर्म पे जाके आप लोगो बना रहे हैं, बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, इससे हटके सर्च क्यों नहीं करते आप लोग? यकीन करें इतना माइंड में चीजें थी ना मेरे बताने के लिए, आप लोगों की तादाद की वजह से कम करनी पड़ी है, लोगों के पर्सनली मैसेज आते हैं कि सर हमने सीखना है, हमने सीखना है, जब क्लास की बारी आती है तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं, क्लास लाइव हो जाती है तो वहाँ पे कोई आता ही नहीं है। सर मुझे ये पूछना था